हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉगर ASG 7007 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको गुप्ता धाम ले चलते हैं। आगे उगानी घाट से हम लोग पैदल पहले पहाड़ की चढ़ाई शुरू करेंगे। हम लोग उगानी घाट से अब चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी खतरनाक चढ़ाई है। यह पहला पहाड़ है। ऊपर चढ़ने के 1 से 1.5 किलोमीटर बाद भुरकुरा गांव पड़ेगा। इस कठिन रास्ते पर हमारा ग्रुप आगे बढ़ रहा है। अभी सब लोग बिखर गए हैं। ऊपर चढ़ने के बाद हमारा ग्रुप फिर से एकत्रित हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं एक टंकी दिखाई दे रहा है जो कि वो भुरकुरा गांव में लगा है। भुरकुरा गांव अब आने वाला है। यहां पर हम पानी का बोतल जैसे भरेंगे, इसके बाद पानी मिलने वाला है नहीं। एक ऐसा यहां जैसे भुरकुरा गांव है पहाड़ के ऊपर जो कि यहां पे पानी होने का व्यवस्था है। आगे चलकर पानी नहीं मिल पाएगा। यहीं तक मोबाइल का नेटवर्क भी पकड़ता है। गुप्ता धाम के इस रास्ते पर केवल एक ही भुरकुरा गांव है। और इसके बाद आगे कोई गांव नहीं पड़ेगा। यहीं पे पानी वानी मिलता है। यहीं से सब लोग बोतल अपना भरते हैं और आगे के सफ़र के लिए तैयार होते हैं। भुरकुरा गांव से अब हम लोग निकल चुके हैं और 3 से 4 घंटे के चलाई में हम लोग बाबा गुप्ता धाम का दर्शन पाएंगे और शीतला कुंड में स्नान करके बाबा भोलेनाथ रुक्तनाथ का दर्शन करेंगे। बोला के फिर चढ़वा दे ऊपर का नाम तेरा लाको। अरे कंट्रोल अरे कहा यही में से बिना कुलेहरिया बानर रहता ना सो कहा तो फिर हो तर चढ़े कोई जगह से चढ़ जाए हम लोग 7 पहाड़ियां पार करते हुए लास्ट पहाड़ी को अब पार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बाबा के धाम पे पहुंचने वाले हैं। ये रास्ता बहुत ही कठिन रहा जो कि लगातार 3 से 4 घंटे चलने पर ये हम लोग को मतलब पहुंच पाएंगे आगे। हम लोग लास्ट पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं जो कि बाबा धाम पे जाएगा। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ ही क्षणों में हम लोग
शीतल कुंड पहुँचेंगे जो कि बाबा के धाम से होते हुए रास्ता जाता है, 500 मीटर दूरी पे है। वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे, फिर उसके बाद बाबा गुप्तानाथ का दर्शन करेंगे। इस गुप्ता धाम बाबा के सफ़र में जो फर्स्ट पहाड़ी जो हम लोग उगहनी घाट से चढ़ते हैं वो इतना ख़तरनाक है जितना कि हम लोग लास्ट पहाड़ी 7-6 पहाड़ी पार करके सातवां जब उतरते हैं, पहला का चढ़ाने और लास्ट का उतरानी बहुत ही खतरनाक है, जो कि उसमें सही ढंग से ना चलने पर सूझबूझ से अगर पैर फिसलेगा तो वहाँ पे जाने भी जा सकती हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। खिंचत है बस कोई का आवाज हम देखते ना है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में हमारे दोस्त ग्रुप में प्राकृतिक झूले का आनंद लेते हुए। अच्छा ऐसा लगता है कि ग्रुप में कोई सफ़र करने से कब रास्ता कट जाता है, कठिन से कठिन रास्ता कट जाता है पता ही नहीं चलता है। हमारे दोस्त प्राकृतिक झूले का आनंद ले रहे हैं। अब जाके हम लोग फाइनली शीतलकुंड पहुंच चुके हैं। यह ऐसा जगह है, एक कुंड है, इसको बोलते हैं शीतलकुंड। ये कुंड पहाड़ के तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ पे 12 महीना 2400 घंटा यहाँ पे धूप नहीं आ पाता है, जिससे कि यहाँ का पानी गर्मियों के दिन में भी बहुत ठंडा रहता है, इतना ठंडा कि आप उसमें नहाने से अकड़ जाएंगे। यहाँ के श्रद्धालु का इतना बुरी आदत होता है ना कि नहाने के बाद कपड़ा वहीं पे छोड़ देते, इतना गंदगी मतलब फैला दिया जाता है वहाँ पे कि वहाँ का पानी दूषित हो जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।